ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स है, ठीक है, लास्ट लेक्चर्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन ऐसे सोचते, बस बात ही खत्म हो गई, और आपको भी समझ में आएगा कि हाँ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा आसान था, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। आज का जो लेक्चर है अपना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा और वन ऑफ द इजीएस्ट भी होगा। तो इसमें आपको मैं टोटल तीन टाइप बताऊंगा। कितने टाइप? तीन टाइप। और उन तीनों टाइप्स में आपको पकड़ना रहेगा कि कैसी शक्ल होती है क्वेश्चन की। देखिए, सबसे पहले होता है टाइप वन, जिसमें क्वेश्चन इस तरह का होगा। आप लोगों ने एओडी का मॉड्यूल पूरा सॉल्व किया था ना, और फिर एक अच्छा खासा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाला जो टॉपिक था, जिसमें हर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, याद है अपने जो क्लास में किया, वो दोबारा करना है सॉल्व, ठीक है। उसको दोबारा सॉल्व करना है आपको, एक बार किया होगा, मैंने तो उसी समय बोल दिया था दिवाली, उसी समय बोला था अगर नहीं करा तो कभी भी कर लो, बट उसको दोबारा करना है, दोबारा दूसरी बार करना है उसको, उस मॉड्यूल को। देखो मेरा मतलब सिंपल सा एक फंडा है कि कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, या उसका मॉड्यूल करते हो या उसका सिंगेज बुक करते हो, तो एक बार में अगर नहीं हो रहा है और डिस्कशन हो गया उसका क्लास में, तो दोबारा जाके आपने कर लिया ना, आप एक्सपर्ट बन जाओगे उसमें। दूसरी बार कर लिया तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वो वाला टॉपिक एक बार कर लेना फिर से। उसी समय किया होगा आप लोगों ने, ग्राफ बनाने वाला था, है ना, तो उसको फिर से कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे बहुत, हर क्वेश्चन में अपने को टाइम लग रहा था करने में। और इंटीग्रेशन का मॉड्यूल अपन ने स्टार्ट नहीं करा अभी, अब अपन स्टार्ट करेंगे आज से, क्योंकि आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसके क्वेश्चंस बहुत है बीच बीच में, है ना, मिक्स्ड है, उसमें भी ऐसा नहीं टॉपिक वाइज है, तो सारे मिक्स्ड क्वेश्चन है। तो आज से मैं आपको इंटीग्रेशन के मॉड्यूल के क्वेश्चन भी दूंगा और सिंगेज भी अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे अपन, टाइप वन देखते हैं। देखिए, इस तरह का अगर आपके पास फंक्शन आ जाए, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन, या फिर वन अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन, या फिर लास्ट वाला मैं थोड़ी देर से बताऊंगा आपको। अगर ऐसी शक्ल दिखती है, सम कांस्टेंट प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स साइन स्क्वायर, ऊपर वन होना चाहिए या फिर कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पर भी a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, पहले तो आप सोचो कि कैसे करोगे ऐसे इंटीग्रेशन को। सोच के देखोगे अगर, तो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। साइन का डेरिवेटिव कॉस ऊपर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी कॉस का डेरिवेटिव साइन होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं गिवन है। हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि टैन और सेक स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टैन और सेक स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले आप बताइए, ये साइन स्क्वायर है नीचे, अब इसको टैन स्क्वायर बनाना है या फिर टैन में कन्वर्ट करना है, तो इसके नीचे क्या चाहिए होगा अपने को, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कॉस स्क्वायर से। पूरे डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो न्यूमिनेटर भी को भी करेंगे ना, तो भेदभाव थोड़ी, तो ऊपर भी करेंगे अपन, तो ऊपर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बन जाएगा? बी टैन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए सेक स्क्वायर। ए सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इंटू वन प्लस टैन स्क्वायर। सोच कर देखो, सेक स्क्वायर को फिर से अपन टैन में लिख सकते हैं, तो कहने की बात है नीचे सब कुछ टैन में हो गया और ऊपर सेक में आ गया। सेक स्क्वायर, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छे से लिखा नहीं है अभी, लेकिन आपको बस समझाना था कि अपन करते क्या ऐसे क्वेश्चन में कि टैन स्क्वायर बनाते हैं और अपने आप ऊपर सेक स्क्वायर बन जाता है। तो मैं इसका तरीका लिखवाऊंगा आपको कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करें। तो तरीका ये है कि तरीका क्या है, मैंने ऊपर और नीचे क्या करा है? कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा है ना, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा, या ऐसा बोल दूं सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा है, एक ही बात है क्या?
यहाँ से सोचो, नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना और ऊपर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना, एक तो ऐसा बोल दो, या तो बोल दो कि ऊपर और नीचे अपन ने सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करा, एक ही बात है, तो सेम उधर भी करेंगे और सेम उधर भी करेंगे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या ऐसा ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, बस हो गया। आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स से डिनोमिनेटर, एक काम करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली लगता है, ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे टेन स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर सेक स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बनेगा, उसको फिर से टेन में लिख देंगे। इधर देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, उसको फिर से टेन में लिख देंगे, और ऊपर भी वन अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा, उसको अपन सेक स्क्वायर, तो नीचे टेन के टर्म्स में आ रहा सब कुछ और ऊपर सेक स्क्वायर है, तो टेन एक्स को अपन टी रखेंगे, है ना, तो फिर उसके बाद एंड पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, खत्म। अच्छा, थर्ड वाला जो होता है वो ये वाला फॉर्म होता है, ए अपॉन सॉरी वन अपॉन, आपको ए कॉस स्क्वायर एक्स भी मिल गया, बी साइन स्क्वायर एक्स भी मिल गया एक ही क्वेश्चन में, ठीक है, ये और ये दोनों एक साथ मिल गए, और सी साइन एक्स कॉस एक्स भी मिल गया अगर, तो भी आपको सेम प्रोसेस करना है, सेम प्रोसेस, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फील करना मेरे साथ फटाफट। पहले वाले को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा क्या आया, वन, दूसरे वाले को डिवाइड करा क्या आ गया, टेन स्क्वायर एक्स, और तीसरे वाले को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक कॉस कट गया, साइन बाय कॉस क्या आ गया, टेन आ गया, और ऊपर तो सेक स्क्वायर आना ही आना है, तो नीचे सब कुछ टेन में बन गया, ऊपर सेकेंड में बन गया, सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, जल्दी जल्दी सोच पा रहे हो, तो ऐसे तीनों क्वेश्चन जो है, तीनों टाइप के जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसको आप ऐसे ही करोगे सॉल्व, ठीक है, इसको लिख लो। फिर इसके बाद अपन लिखेंगे टाइप टू, बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से लिखना है इसको सजा के, ठीक है, टाइप वन टाइप टू, हो गया, अगला देखते हैं, आगे देखिए, अगला इंटीग्रल होता है ये वाला, वन अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, आगे देखोगे तो ही दिमाग में छपेगा, देखो ऊपर तक अभी तक सब कुछ सेम चल रहा है ना, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे अब साइन एक्स आ गया, साइन स्क्वायर था उधर, यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, या तो फिर वन अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, या तो फिर एक और मैं लिखूंगा, वो थोड़ा बाद में ही लिखता हूँ मैं हमेशा, पहले तो इसको देखिए, आप को मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, सोचिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अपन, साइन एक्स या कॉस एक्स, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से तो ये होगा नहीं, कॉस स्क्वायर को 1 बाय सेक स्क्वायर, हाँ लिख दो, हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, एक ही बात है, बस उसको कन्वर्ट करना है ना, या फिर कॉस को सही है, ऑल इन ऑल एक ही चीज़ है वो, लेकिन सोचने का तरीका अलग है। क्या किया जाए इसमें बताइए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो साइन एक्स है इसमें स्क्वायर नहीं है, ये जो कॉस एक्स है इसमें भी स्क्वायर नहीं है, हम इसमें हाफ द टेंजेंट में कन्वर्ट करते हैं इसको, मतलब कन्वर्ट इन हाफ द टेंजेंट, अभी ये सुन के एकदम से समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको थोड़ी देर में पूरा सेंस मिल जाएगा इसका क्या है, कन्वर्ट इन हाफ द टेंजेंट, हाफ टेंजेंट से याद आया कि थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे आप लोगों से, क्या बात है, ध्रुवम फॉर्म में हो क्या आज,
बताइए साइन एक्स का हाफ टेंजेंट फार्मूला क्या होगा? या चलो मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, साइन टू थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन क्या हो जाएगा? क्या बात है, टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ अब मेरे को आप साइन एक्स का फार्मूला या साइन थीटा का फार्मूला बता दो। हाँ सही है। उसी तरह से कॉस एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा लावण्य, बताइए? ठीक है, थीटा मतलब हाँ वही एक्स है तो एक्स है, एक्स बाई टू। साइन एक्स और कॉस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला ये हो गया। वैसे तो टेन एक्स का भी होता है, बट यहाँ पे टेन एक्स है ही नहीं ना, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और टेन एक्स का बड़ा आसान होता है, बस इसका न्यूमरेटर अपॉन इसका न्यूमरेटर करना होता है आपको, ठीक है। सो ये हाफ टेंजेंट वाला फार्मूला हो गया। अपन क्या करेंगे, ये वाले साइन एक्स को और ये वाले कॉस एक्स को हाफ टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे। सुन के लगता है कि ये तो बड़ा खतरनाक है ना, लेकिन इतना खतरनाक है नहीं। अच्छा देखो, करके देखेंगे अगर तो होगा क्या, फील करना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे मैं रखूँगा टू टेन एक्स बाई टू, मेरे साथ साथ देखिएगा। पहली बात तो इधर देखो हर कोई, ये क्या लिखा है, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन, क्या मैं ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी साइन एक्स, साइन एक्स की जगह क्या लिख दिया, टू टेन एक्स बाई टू, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा। अच्छा वो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इस ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ए सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है ना, और अपॉन में था तो उचक के ऊपर चला जाएगा, ऊपर पहुंचा दिया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। इतना तो समझ में आता है ना जो मैंने फास्ट करा अभी। अब ये टेन एक्स बाई टू, इसको भी टेन के टर्म में आराम से लिख दूंगा मैं, है ना। और उस टेन को टी रखेंगे तो ऊपर वाला न्यूमरेटर पूरा डी टी में चला जाएगा, तो आपके पास वन बाय क्वाड्रेटिक जैसा कुछ कुछ बनेगा। आ रही बात समझ में? तो आपको ये स्टैंडर्ड शक्ल और ये स्टैंडर्ड शक्ल याद रखना है, दोनों में काम एक ही करते, तरीका थोड़ा अलग है। इसमें अपन जबरदस्ती टैन बनाते, यहाँ पे टैन बनाना बड़ा आसान था, कॉस से डिवाइड कर दिया, सेम इधर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर से। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, हाफ द टेंजेंट में कन्वर्ट करते। अच्छा, और हाफ द टेंजेंट में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, किसको टी रखोगे, पुट टेन एक्स बाय टू इज इक्वल टू टी। तो बुक्स में नॉर्मली बस ये लिख देता है कि ऐसा ऐसा कर लेना, उसका मीनिंग अपने को समझ में आना चाहिए। कन्वर्ट इन हाफ द टेंजेंट एंड पुट टेन एक्स बाय टू इज इक्वल टू टी, बस खत्म। ये लास्ट वाला फॉर्म जो है वो मैंने लिखा नहीं है, वो भी लिख देता हूँ। अच्छा एक बार देख लो आगे, क्योंकि मैं लिखता हूँ, अगर आप तब देख लोगे ना तो आपके दिमाग में छप जाएगा। ए प्लस बी साइन एक्स तो अपन ने पहली बार में देखा ही था, है ना। बी साइन एक्स भी आ गया, और मान लो सी कॉस एक्स भी आ गया, सी कॉस एक्स भी आ गया, तो वैसा वाला इंटीग्रेशन भी सेम हाफ टेंजेंट से ही होगा, बिकॉज आप लोग समझ जाओगे कि क्या करना है हाफ टेंजेंट में, ठीक है। नीचे पूरा टेन टेन बनेगा, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो गोल्डन टाइप है, बहुत 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 फ्रिक्वेंटली आज इन बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई एचएससी सबसे कॉमन क्वेश्चन है। इनफैक्ट हर क्वेश्चन के बीच में आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिल सकता है कहीं ना कहीं, कोई भी स्टेप में, और जेई में भी बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं ये। तो टाइप वन हो गया, टू हो गया, और टाइप थ्री जो है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइप थ्री के लिए हाँ, वहाँ पे जगह छोड़ना चाहो तो वाकई में आप छोड़ सकते हो, बाद में फिर से लिख देना, इतना ही लंबा है वो, इतना ही जितना स्पेस यहाँ पे कवर किया, पांच लाइन छोड़ दो। इनफैक्ट टाइप थ्री थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ बोलो, टोटल तीन टाइप है बस, टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री, तीनों एक साथ ही लिख देना चाहिए वैसे तो, बट टाइप थ्री थोड़ा हटके है, बट आप एक साथ लिख दोगे तो रिविजन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। रिविजन से याद आया, विवेक मेरे को बताओ पैरा बोल, विवेक ऐसे नीचे देख रहा एकदम से, पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन टेंजेंट की, और पैराबोला कौन सा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स में, ठीक है, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अच्छा, और पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल क्या होता था,
ठीक है, इसी को अगर मेरे को स्लोप में कन्वर्ट करना है तो ठीक है, जगह माइनस एम रख देंगे ना। ये तो मैं भी याद नहीं रखता हूँ, तरीका पता होना चाहिए। अच्छा इसको, हाँ इसका अपने को स्लोप फॉर्म याद रह जाता है, y इज इक्वल टू, मैं आपको सच बताऊँ बस इतना ही चाहिए होता है पैराबोला चैप्टर में। ये चारों इक्वेशन आपको पता है अगर, तो आपसे 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बचे हुए 30% क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के आ सकते हैं, या फिर इसी में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax के आ सकते हैं, या फिर कुछ भी उटपटांग पैराबोला दे दिया अगर, तो वो तो अपन AOD से कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि इक्वेशंस अगर आपको, वो तो प्रॉपर्टीज़ तो आपको बिल्कुल याद रखनी है, अगर ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। याद आया तो चलो, तुम ये बताओ मुझे अद्वैत कि अगर ये पैराबोला है और ये फोकस है 1,0 और मैंने यहाँ पे कॉर्ड बना दी है, ठीक है, अगर ये T1 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ बेसिकली T1 इंटू T2 क्या होता है? -1 फोकल कॉर्ड में, फोकल कॉर्ड में -1 होता है। तो ये सारी कुछ बातें हैं, बस आप है ना सिस्टमेटिक तरीके से ये कुछ चीज़ें बस समझ लो, याद रख लो, तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व। बहुत डीप में नहीं पूछता है आपसे, लेकिन आप लोगों ने रिवाइज किया ही होगा, बीच बीच में पूछता रहूँगा, अभी इंटीग्रेशन से अपन भटकते नहीं हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, कल पैराबोला पे क्विज होगा। यस 1/4 - 5 sin x², लेकिन ना क्विज आपका मेरे को पेन पेपर मोड में लेना है, तो थोड़ा पता नहीं है। फिर मेरे को OMR तो देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चंस क्या होता है ऑनलाइन में बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं, उनका प्रिंट जो है वो निकलेगा नहीं। नहीं नहीं, OMR तो मैं दूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है कि मैं 20-25 क्वेश्चन दे दूँ, लेकिन पहला टेस्ट है पैराबोला का, मैं बस चेक करूँगा कि आप कितना कर रहे हो उस वक्त ना। चलिए 4 - 5 sin² फटाफट देखते क्या करूँ इस क्वेश्चन में, स्क्वायर दिखा है तो क्या करेंगे अपन, टैन बनाएंगे। आप देखो तरीका याद मत रखो, दोनों जो मैंने टाइप 1 टाइप 2 बताया आपको, इधर देखो टाइप 1 टाइप 2 जो बताया, दोनों में क्या अपने टारगेट रहता है, टैन और sec स्क्वायर बनाना। अब वो कैसे बनाना है आपका दिमाग अपने आप आपको बताएगा। टैन बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन के नीचे कॉस चाहिए, तो ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा, तो ऊपर आ जाएगा sec² x और नीचे क्या आ जाएगा 5 tan² x, नेगेटिव का 5 tan² x, और यहाँ पे 4/cos² मतलब 4 sec² x, तो 4 sec² x को ऐसे लिख दूं मैं 4 + 4 tan² x। सोच कर देखो, जल्दी लिख दिया मैंने एकदम, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो ये चीज़ बन जाएगी sec² x / 4 tan² x - 5 tan² x, ये हो जाएगा 4 - tan² x। क्या कहते हो गया क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अब आप क्या करो, tan x को t रख दो, tan x को t रख दोगे तो ऊपर पूरा आइटम dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sec² x dx = dt, तो ऊपर पूरा dt हो गया और नीचे कितना हो गया 4 - t². ठीक है, ध्रुवम बताओ इसका आंसर, 4 - t² ए क्या होगा, टू आएगा ना, फोर नहीं आएगा, 2 + t / 2 - t, सही बोला है। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ आप टी की जगह जरूर यहाँ पे टैन रख देंगे, tan x + 2 / जो भी, और अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो जो भी लॉग आए हमेशा उसमें मॉड लगा दें। नॉर्मली JEE में फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज आपको ऑप्शन में दिख जाएगा मॉड, आपने मिस भी करा है तो इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। कोई भी LN हो, LN में लॉग में नहीं ऐसा होगा नहीं आपके साथ।
इतना टाइम नहीं है जेई के पास कि ये सब इतना बोनस दे आप लोगों को, है ना। सॉल्व क्या बोल रहे हो? हाँ मॉड वाला ही बराबर होगा वैसे तो ऑब्वियसली, क्योंकि लॉग के सामने अपन बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। हाँ अब आप देखो, या तो वो सोचो या तो, लेकिन उसमें ना फाई आएगा, खूबसूरत एंगल नहीं आएगा। 3/5 और 4/5, ये 53 डिग्रीज वाला आता है, मतलब 1 रेडियन बनता है बेसिकली। बट हो जाएगा, होने को बिल्कुल हो जाएगा। अब क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं तो चलो पहले इतना लिखो, फिर मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज करा दूंगा 3 मिनट में। नॉर्मली आप उससे करोगे तो आपका फाई के टर्म्स में आंसर आएगा। अगर कोई ऑडियंस अगर वो समझ नहीं पाई है तो ए साइन एक्स माइनस या प्लस बी कॉज एक्स वाली बात है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स को आप डायरेक्टली सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आज भी मेरे को मार मार के समझाना पड़ रहा है उनको, 11th क्लास वालों को, आज भी मैंने बहुत डाटा है सेम कंसेप्ट के लिए, ठीक है। या तो वैसे करो या तो इसको खोल डालो, ठीक है। खोल डालते इसको अपन, परफेक्ट स्क्वायर को खोलना रिचा का फेवरेट तरीका, जो भी है सीधे खोल दो। कल भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था तो सर खोल देते परफेक्ट स्क्वायर, एकदम एक्सपर्ट है वो। फिर मैंने उसको बोला कि ये तुम्हारा तरीका हो गया आपसे। 3 sin² x कितना हो जाएगा? 9 sin² x प्लस 16 cos² x माइनस कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 2 24 sin x cos x। साइन एक्स कॉज एक्स को साइन 2x में मत लिख देना, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी हम क्या करेंगे, ये टाइप 1 ही तो है। आप लोगों को क्या रिफ्लेक्स क्या बनाना दिमाग में, इधर देखो आपका ब्रेन जो है ना, अभी आज से 15 दिन बाद इस चीज़ का रिस्पांस शायद ना दे, ये वाला, ये तो दे देगा, ये ना दे तो आपको ये साइन स्क्वायर दिखे या कॉस स्क्वायर दिखे तो आपको समझ जाना आराम से टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर बनता है। बस किससे डिवाइड करना है, हल्के हल सोचो, अपने को क्या करना है, नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना, ऊपर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स आएगा और नीचे आ जाएगा 9 times tan² x। अच्छा मैं फटाफट सोचना चाह रहा हूँ, 9 times tan² x चलो प्लस 16, तो 16 ही हो जाएगा क्योंकि अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया तो हो गया। 24 sin x / cos x, इसमें अपन ने क्या करा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये साइन बाय कॉस ये आ जाएगा 24 tan x, ठीक है। अच्छा इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे टेन एक्स को टी के बराबर, तो सेक स्क्वायर एक्स कौन सा वाला, हाँ वो भी हो जाएगा। आप क्या पता ऑप्शन में ये दिया हो या वो दिया, क्योंकि दोनों का आंसर अलग आएगा, है ना। एक का एलएन में आएगा और ये भी एलएन में ही आना चाहिए, मे बी देखते हैं। डी टी अपॉन एलएन में आएगा क्या, सेक स्क्वायर, वो मान लो अपन ने कोसेक स्क्वायर करा तो स्टैंडर्ड एक बार में आ जाएगा, बट वो फाई के टर्म्स में आएगा। फिर चाहे तो आप खोल दो, लेकिन ठीक है कर सकते हैं। यहाँ पे अगर खूबसूरत नंबर दिए होते ना जिससे अच्छा एंगल बन रहा होता, 5/6 या 5/2, 5/6 या 5/3 टाइप या 5/4 टाइप, तो वैसे अपन ज़रूर करते हैं। यहाँ पे मैं अवॉइड कर रहा हूँ उसको, तो 90² - 24t + 16, ठीक है। बस 1/4 आप खुद से कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा कैसे करोगे। पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, फैक्टर बन रहे हैं तो अच्छी बात है बिल्कुल, तो फिर तो पार्शियल फ्रैक्शन। फिर तो पार्शियल फ्रैक्शन, या तो फिर ऊपर से काटो बाटो कर दो, है ना। मेरे ख्याल से बन रहा है ये, क्योंकि 16 भी खूबसूरत है। 3t - 4 का होल स्क्वायर है ना, 3t - 4 का होल स्क्वायर ही बन गया है तो शायद, आई गेस, तो होल स्क्वायर बन गया, तो फिर तो सारी चीज़ें एक तरफ ही, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 1/x² लीनियर को अपन x से रिप्लेस कर सकते मनी वन में, तो x^-2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x^-2 + 1/-2 + 1, तो x^-2 + 1/-2 + 1 ये फाइनल आंसर है क्या, कि इसमें और कुछ करना पड़ेगा? बाय 3 भी करेंगे, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए एक और आसान क्वेश्चन है, इसको आप 60 सेकंड्स में ख़त्म कर दो। 1 + 1/cos² x का इंटीग्रेशन, 3 + cos² x, सॉरी 3 है,
मैंने यही अभी तक सीखा है कि कॉस स्क्वायर दिखेगा तो आप तुरंत टैन बना ले। यहाँ पे टैन बनाने के लिए अपने कॉस से ही डिवाइड करना, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 अपॉन cos² यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर, 3 sec² मतलब 3 + 3 tan²x, और यहाँ पे cos²x/cos²x 1 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा sec²x dx। तो बेसिकली डायरेक्टली मैं ओरली इसमें वो करता हूँ अगर, तो ऊपर आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा 3t² + 4। क्या कहते हो, इसका आंसर डायरेक्टली लिख पाएंगे अपन? डायरेक्टली लिख लोगे या फिर 3 कॉमन लेने का मन कर रहा है? आप चाहे तो 3 कॉमन ले लो, थोड़ा सा तसल्ली मिलेगी मन को। तो dt/t² + 4/3, 4/3 को मैं लिख रहा हूँ 2√3² ठीक है यहाँ तक? वन बाय थ्री, विवेक बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1/3 वन बाय ए या वन बाय ए आएगा ना, टी बाय ए, मतलब ये t/2√3। और कुछ डिवाइड करना है मेरे को? नहीं, यही आपका फाइनल आंसर होगा, 1/8 tan·1 t/a। ये ए है, आपको बस वैसे ही सोचना है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी आप जस्ट फॉर प्रैक्टिस कर लो, इसको भी 60 सेकंड्स में करते हैं। साइन एक्स को हाफ द टेंजेंट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 tan²x। तो 2 आएगा यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan²x/2 अपॉन 1 + tan²x/2। तो 5 + 4 टाइम्स साइन एक्स की जगह रखा मैंने 2 tan²/2, 4 × 2 = 8, 8 tan² आएगा ना, हाँ 2 tan²x/2 अपॉन sec²x/2 आएगा, वो sec² ऊपर जाएगा और एलसीएम लिया है मैंने तो यहाँ पर भी आएगा, तो 5 sec²x/2। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को जल्दी ही करना है सॉल्व, बस यही तो है। इसको क्या लिखेंगे, 5 + 5 tan²x/2, और वो 5 tan² और ये 8 tan² बन जाएगा 13 tan²x/2, 13 tan²x/2 प्लस एक 5 यहाँ पे रह जाएगा। बहुत जल्दी तो नहीं कर दिया ना, इतना तो सोच लोगे, सोचना पड़ेगा ही। ख़त्म, sec²x/2, फिर हाफ, मैंने क्या करा, tan²x/t को टी रख दिया, sec²x/2 × ½ dx, ये हो गया dt के बराबर, ऊपर एक हाफ की कमी है। ऐसे आप चाहो तो क्या करो, 2 को उधर पहुंचा दो, तो sec²x/2 विल बी 2 dt, sec²x/2 × dx विल बी 2 dt, ये पूरा 2 dt हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 2 dt और नीचे क्या हो जाएगा, 13 t² + 5। ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? ठीक है, सब ठीक है, 5 sec²x/2। हाँ, अरे इसका तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अच्छा, बिना 13 बाहर लिए अगर आंसर लिखना है तो लिख पाओगे क्या? 1√13 से डिवाइड करना होगा। बिना 13 लिए कोई मुझे बता सकता है एक बार में? अगर मैं 13 को बाहर लिया तो 5/13 बनता है, वो भी कर लेंगे। 1/13, ठीक है, लेकिन मैं उतना कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा नहीं, मैं 13 को बाहर ले लूँगा ताकि अपने को ऐसा दिखे t² + a² जैसा, t² + a² जैसा, ठीक है। और 5/13 को अपन क्या लिख सकते हैं, √5/√13² है ना, तो ये t² + a² बन गया है। तो 2/13 × tan·1 ऑफ,
अच्छा 2/13 बाहर है, 1/a लिखना पड़ेगा, ये तो 2/13 फॉर्मूले में नहीं आ रहा है, तो पहले से बाहर है। अब फॉर्मूला लगा रहा हूँ, टेन स्क्वायर, अच्छा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1/a, ठीक है 1/a टेन इनवर्स ऑफ टी बाय ए, ये वाला करें 1/3 + 2 sin x प्लस 1 cos x dx, ठीक है। चार पांच क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपके नोट्स में इसके सॉल्यूशन होने चाहिए करें ना, क्योंकि सारे इतने आसान है और सब रिपीटेटिव है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बस दे रहा हूँ। तो ये वाला तो क्वेश्चन आप करो ही करो, अभी के अभी इसको करेंगे अपन सॉल्व, और बाकी के क्वेश्चन जो है वो आप आराम से dx/4 + 5 cos x dx/4 + 5 sin x, ये मत सोचना कि यार हो जाएगा, आप ये वाले टॉपिक में हो जाएगा वाला लॉजिक नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपको देख आप देखोगे ना एंड में हमेशा ऐसा कुछ फंसता है, ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से निकालते आनी चाहिए। dx/1 - cos x + sin x बस ये तीन ही क्वेश्चन है, दैट्स इट। अभी अपन लेट अस डिस्कस दिस वन, टू टेन एक्स आता है ना, वो मैंने टेन स्क्वायर लिख दिया क्या, सब में ऐसा करा है क्या पूरे क्वेश्चन में, हाँ टू टेन एक्स आएगा, कोई बता भी नहीं रहा इतनी देर से, तो ये गड़बड़ हो गया ना, मैंने इसमें मिस्टेक कर दिया, इसको अपन करेक्ट कर देते हैं। वन अपॉन 5 + 4 टू टेन एक्स आएगा तो 8 लिख देंगे ना, 4 × 2 = 8 टेन एक्स बाय 2 अपॉन sec स्क्वायर x बाय 2, वो sec स्क्वायर x बाय 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और यहाँ पे भी sec स्क्वायर x बाय 2 आएगा, तो 5 sec स्क्वायर x बाय 2 होगा, 5 sec² x/2 ठीक है, प्लस बस अभी ठीक है, बस अब हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे इसमें कि यस और अच्छे से लिख देते हैं इसको, sec² x/2 अपॉन 5 + 5 tan² x/2 5 + 5 tan² x/2 प्लस 8 tan x/2, ठीक है ना, तो पूरा क्वेश्चन ही बदल गया। अब tan x को t रखेंगे तो ऊपर dt में चला जाएगा, लेट मी डू इट हियर, तो tan x बाय 2 को हम लोग t रखेंगे तो sec² x/2 × 1/2 dx दिस विल बी इक्वल टू dt, ठीक, तो sec² x/2 dx will be 2dt, ठीक है, ऐसा लिख दो ना 2dt, और नीचे कितना हो जाएगा 5t² + 8t + 5, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाया अगर अपन ने तो क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा लेंदी हो गया ये क्वेश्चन अब, है ना, 5 + 4 sin x फाइव प्लस फाइव टेन स्क्वायर एक्स बाय टू
और 8 टेन एक्स बाई टू, तो 5 टेन, 5 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस 5, ठीक, 5 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस 5, इसका परफेक्ट स्क्वायर बता दो यार कोई मुझे, 5 कॉमन ले लेता हूँ, 5 कॉमन ले लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 8 बाई 5 टी प्लस 5 प्लस 1, पुराना वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें एक मिस्टेक हो गया था, तो कितना हो जाएगा t प्लस 8 बाई 5 का आधा कितना हो जाएगा 4 बाई 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस ऑफ 4 बाई 5 का स्क्वायर माइनस 16 बाई 25 करेंगे, तो 1 माइनस 16 बाई 25 कितना हो जाएगा, ये यहाँ लिख देते हैं 2 बाई 5 इंटू इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t प्लस 4 बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 बाई 25, 9 बाई 25 को क्या लिख दिया मैंने, 3 बाई 5 का होल स्क्वायर, अभी तो और आसान हो गया है ना, 3 बाई 5 का होल स्क्वायर अब मैच हो जाएगा, क्या हो गया आंसर फाइनल बता रहा हूँ, ये अभी लिखो 2 बाई 5 इंटू 1 बाय ए 5 बाई 3 लिख देते डायरेक्टली है ना, इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस 4 बाई 5 अपॉन 3 बाई 5, ठीक है, ये आंसर आएगा, तो फाइनल आंसर जो आ रहा है आपका वो यही है, इसको चाहे तो 2 बाई 3 टेन इनवर्स 5 एक्स प्लस 4 बाई 3, यहाँ टी आएगा ना, तो 5 टी प्लस 4 बाई 3 प्लस सी, अब टी की जगह आप रख दो टेन एक्स बाई 2, तो वो तो कर ही देना, ठीक है ना, इसमें एक मेरे से गलती हो गई, मैंने वहाँ पे टेन स्क्वायर लगा दिया था, कोई बताया भी नहीं, चलो कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसका फाइनल आंसर मेरे को देखना पड़ेगा, होना तो चाहिए, नहीं नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर बना के मैंने छोड़ रखा है बस, नीचे 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 बन रहा होगा, 2t स्क्वायर कर लेते ना, क्या दिक्कत है, कर तो रही है इसको अपन, अभी देखो वो वाला क्वेश्चन जो है ना, इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 1 अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स टू साइन एक्स, साइन एक्स की जगह क्या रखे अपन बताइए, टू इंटू ये रखेंगे तो एक टू ऑलरेडी है, तो फोर टेन एक्स बाई टू हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा फोर टेन एक्स बाय टू अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाय टू होगा, या वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू होगा, वो तो मैं लिख ही दूंगा, फिर कॉज एक्स में भी वही करेंगे अपन, कॉज एक्स में क्या होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक है, ऐसा हो जाएगा डी एक्स, तो वी आर ऑलमोस्ट डन, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, थ्री प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, थ्री प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, थ्री प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस फोर टेन एक्स बाय टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, ऐसा हो जाएगा, तो थ्री माइनस वन टू टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, टू टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, फिर आ जाएगा फोर टेन एक्स बाय टू, यही आ रहा था ना तुम्हारा विवेक, प्लस थ्री प्लस वन यही आया ना, जो लिखा है वही आ रहा है ना आपका भी, अभी ये क्वेश्चन यहाँ से आप DIY कर लो, क्योंकि ये t रखेंगे तो वो पूरा 2DT बन जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, मैं कर ही देता हूँ इसको भी सॉल्व यार, कंसेप्ट बड़ा आसान है, बस एक दो क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सोचते हैं।
तो पुट tan x इज इक्वल टू t, खैर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे tan x by 2 को अगर t रखा अपन ने तो हाफ पहले लिख दिया और sec square x by 2 dx ये हो जाएगा dt के बराबर। ठीक है, आपको जो मैंने पेज बनाने का बोला था इंटीग्रेशन वाला उसमें ये चीज़ ज़रूर लिख देना, ये कंसेप्ट कि अगर टाइप वन टाइप टू और टाइप थ्री भी बता दूंगा मैं, तो ऊपर आ जाएगा 2dt और नीचे क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, तो 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से अपन, है ना, और वो 2 इससे कट जाएगा, पहले ही कर देना था ये काम मुझे, 2 और ये 1 और ये 2 यहाँ से कट गया, दिस इज़ इट। इसका परफेक्ट स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा आसान है, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका, 1 बाय ए, वैसे तो 1 बाय 1 टैन इनवर्स ऑफ टी प्लस 1 अपॉन 1, वो तो एक ही बात है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया ताकि अपने को समझ में आए कि सोचते कैसे। ठीक है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर फॉर होमवर्क, ये आपके क्लास नोट्स में होने चाहिए, जब भी आप क्लास नोट्स रिवाइज करो तो ये 3 क्वेश्चंस वहीं के वहीं कर लेना। चलिए एक धमाकेदार क्वेश्चन देता हूँ, देखते कौन सोच पाता है। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ 5 प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लो, कॉस एक्स इंटू 5 प्लस 3 कॉस एक्स, इसमें क्या है ये तो हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू 5 प्लस 3 कॉस एक्स, देखते हैं। समझा आपने, आया किसी को समझ में क्या करेंगे? अच्छा अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देता हूँ तो कर लोगे क्या बताओ, 1 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस 3x, अगर मैं इसकी जगह ये देता हूँ तो वो कर लोगे? यहाँ से देखो, अगर मैं इसकी जगह ये क्वेश्चन देता हूँ, मतलब मैंने cos x की जगह सिर्फ x दिया होता x प्लस 5 3x, तो इसको कर लेते, अरे सिंपल फैक्टर्स है ना, पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा या फिर डिफरेंस क्रिएट कर दो, यहाँ पे 3 ऐसे कर दो और इसका डिफरेंस ऊपर क्रिएट हो जाएगा 5, तो इसमें भी वही करो ना, क्रिएट डिफरेंस, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 5 प्लस 3 कॉस एक्स और 3 कॉस एक्स, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 5, तो 5 प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 3 कॉस एक्स अपॉन 3 कॉस एक्स इंटू 5 प्लस 3 कॉस एक्स, ठीक है, डिफरेंस बना लेते हैं, तो डिफरेंस बनाएंगे अगर तो ये वाली चिड़िया अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 बाय 3 कॉस एक्स आएगा, बस 1 बाय 3 कॉस एक्स, ठीक है, माइनस ये वाली चिड़िया करेंगे तो 3 कॉस एक्स कट जाएगा, तो 1 बाय 5 प्लस 3 कॉस एक्स आएगा,
अलग अलग कर दो आंसर आ जाएगा। ऊपर फाइव डिफरेंस बन रहा है, क्या दिक्कत है तुमको? फाइव से डिवाइड कर दिया मैंने, ये लो। तो 3/5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 3 cos x, 3 cos x का 3, चलो 3 cos x माइनस, फिर ये 3/5 अंदर भी जाएगा और डी एक्स अपॉन 5 + 3 cos x, ये तो हमने अभी अभी सॉल्व करा है, दिस यू कैन डू। हाफ एंगल से ठीक है, पहले हाफ एंगल में कर रहे हो तो जल्दी हो जा रहा है, आप ऐसा कह रहे हो, कर लो। वैसे ये बताओ मुझे कि ये 1/cos x sec x, ध्रुव मुझे sec x का इंटीग्रेशन बताओ। सही पढ़ के आए हो अच्छे से। क्या क्या पढ़ाई करी कल आप लोगों ने? केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ्स। पैराबोला कर लिया तेरे भाई से? आज एक बार और करोगे है ना, और PYQs कर डालो, 5-6 क्वेश्चन अभी हो जाते 12-13 क्वेश्चन। कल करा कुछ PYQ सॉल्व? करना चाहिए था, मैंने नोट्स भी डाल दिए थे उसके पैराबोला के, लेकिन वो थोड़े पुराने मेरे, मतलब बचपन के नोट्स हैं, अभी तक अच्छे से रखे हुए। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, लेकिन आप खुद के नोट्स बनाओगे, देख लो टाइम हो तो बना लो। ओके, ये रहा क्वेश्चन। ओके, देखते हैं इसको सॉल्व करके। साइन 2x अपॉन a प्लस, यार a प्लस बी की जगह कुछ नंबर होता तो थोड़ा अच्छा लगता, बट चलो a प्लस बी दे दिया, लेट अस डील विद दैट। क्या करना चाहिए इसमें अपने को? a प्लस बी cos x का होल स्क्वायर है। एक तो ये तरीका हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर खोल दो, ठीक है? कौन सा तरीका? परफेक्ट स्क्वायर खोल देने वाला, वो चीज़ में हमेशा डर लगता है, लेकिन अगर खोला अपन ने तो देखो क्या बनेगा। कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, बिल्कुल आएगा, फिर कॉस एक्स भी आएगा, सही है। बट क्या उससे आसान तरीका है अपने पास? क्या ये अपन ने जो टाइप 1 टाइप 2 पढ़ा उसमें से कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म का डायरेक्ट फॉर्म है? नहीं, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है और उधर साइन 2x दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? बाय पार्ट्स तो दूर दूर तक मत सोचना, सब्स्टिट्यूशन ही सोचना है आपको। और सब्स्टिट्यूशन में भी क्या सोचना है, देखिए नीचे लिखा है a प्लस बी cos x और ऊपर लिखा है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x और नीचे लिखा है a प्लस बी cos x का होल स्क्वायर, ठीक है? क्यों खोलना है? cos x को t रखेंगे, ये भी t हो जाएगा और ये dt में चला जाएगा, सोच के देखो। कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है ना, अगर खोलोगे तो आप फिर tan और sec बनाओगे। हाँ ये भी बहुत अच्छा तरीका, लेकिन जो cos square x को आप t रखोगे तो फिर एक cos x और आएगा ना यहाँ पे, 2ab cos x। कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वैसा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। बाई क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, पावर 4 में नहीं चला जाएगा, टी स्क्वायर का स्क्वायर। वो खड़ा कर देता हूँ, थंबनेल बना देता हूँ तुम्हारे नाम का। cos x को हम लोग, अच्छा देखिए मैं क्या करने वाला हूँ कि cos x को टी रख देते हैं तो -sin x dx dt हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हर बार जब भी मैं कोई टाइप पढ़ाता हूँ ना, तो एक क्वेश्चन बीच में ज़रूर ऐसा देता हूँ जो उस टाइप से नहीं हो रहा होता है, लेकिन वैसा दिख रहा होता है ना? तो आपको इसको नॉर्मल ही सॉल्व करना है। अच्छा तो sin x dx हो जाएगा -dt के बराबर, तो sin x dx विल बी -dt। 2 तो मैंने बाहर ले लिया, माइनस को भी बाहर ले लेता हूँ और वो dt हो जाएगा। cos x को t बोला है तो एक t भी आएगा, एक dt भी आएगा, ठीक है? और नीचे क्या आ जाएगा? a प्लस बी इंटू टी,
इज दैट ओके? अब ये क्या बन गया है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। चाहे तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर डालो, लेकिन उतना दूर हम लोग जाएंगे नहीं। दूसरा तरीका होता है कि आप इसको ब्रह्मास्त्र मेथड से कर दो, कि बी टी बनाया है यहाँ पे, बी मल्टीप्लाई बी डिवाइड, फिर प्लस ए माइनस ए करा, वैसे भी हो जाएगा। सोच के देखो ना, ये डी टी लिखा है यहाँ पे, व्हाट आई विल डू, ये बी से मल्टीप्लाई करा और बी से डिवाइड करा, फिर प्लस ए करा और माइनस ए करा, फिर ये वाली चिड़िया अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई बी, ये हो जाएगा वन अपॉन ए प्लस बी टी डी टी, और एक माइनस ए है ना, ये वाला नंबर जो इसको मैं बाहर रखने के लिए ऐसा करता हूँ, माइनस ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी इंटू टी का होल स्क्वायर। ठीक है, रेडी रहिएगा, आप में से किसी एक से मैं पूछने वाला हूँ दोनों का इंटीग्रेशन। वन अपॉन ए प्लस बी टी, ये मेरे को बताओ आप, सागर बताओ मेरे को, ये वाला वन अपॉन ए प्लस बी टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एल एन ए प्लस बी टी फाइनल है, लॉक कर दिया जाए? कुछ और भी मिस कर रहे हो? अपॉन बी, बढ़िया। अब ये भी बता दो, ये तो बाहर है, वन अपॉन लीनियर स्क्वायर, बढ़िया। लेकिन ऐसा आएगा ना, ए प्लस बी टी की पावर में माइनस वन अपॉन माइनस वन करेंगे, तो वो अपॉन वाला माइनस वन इधर सेटल कर दिया, और नीचे क्या आएगा, बी आएगा, बेहतरीन, प्लस सी, नाइस, दिस इज इट। चलिए क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं। इसके बाद अपन टाइप थ्री करेंगे, बट ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाले टाइप वन और टाइप टू के बेसिस पे। साइन टू एक्स अपॉन साइन की पावर में फोर एक्स प्लस कॉस की पावर में फोर एक्स डी एक्स, ये वाला आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि फिर मैं टाइप थ्री बताऊंगा और तभी हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। फिर अपना एक स्पेशल डेरिवेटिव बचता है, कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है वो, इतना स्पेशल है कि एनसीईआरटी में कहीं पे भी जिक्र नहीं है, लेकिन क्वेश्चन भर के वो पढ़ाते नहीं एनसीईआरटी में, क्वेश्चंस बहुत है, लेकिन मिसेलिनियस में कुछ क्वेश्चन है जो उससे होते हैं। मॉड्यूल लाए हो इंटीग्रेशन का, कल से लेकर आना। लेट अस सी, क्या करें इसमें बताओ, आप सब जानते हो क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बना दो, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है टू ए बी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, तो वो बाहर वाला टू साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स का होल स्क्वायर जैसा कुछ हो जाएगा, और ऊपर भी साइन टू एक्स है, फिर क्या करेंगे यार, वो मज़ा नहीं आ रहा ना। हाँ एग्जैक्टली, आप कॉस स्क्वायर को टी मानोगे उसका डेरिवेटिव ऊपर है, साइन स्क्वायर को टी मानोगे उसका भी डेरिवेटिव ऊपर है, समझ रहे हो, या तो आप कॉस स्क्वायर को टी मानो या तो आप साइन स्क्वायर को टी मानो। पहले तो आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स को टी रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब साइन टू एक्स, साइन टू एक्स। मैंने कॉस स्क्वायर को इसलिए नहीं मारा, एक माना क्योंकि एक माइनस आ जाता है उससे, पसंद नहीं है वो माइनस, ये डी टी हो जाएगा, तो ऊपर हो गया डी टी,
और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स को टी रखा, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा कॉस, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। चेक करके देखिएगा, ज़्यादा दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे, बहुत आसान है। एक तो ये तरीका हो गया, अब आप इसको खोल दो, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इसको खोलेंगे तो इधर क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी, तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बिलीव टू टी स्क्वायर, प्लस वन आएगा एक और माइनस टू टी आएगा, दिस इज इट। हाँ सेम बनता, माइनस आता, सेम नहीं बनता, नीचे कुछ फर्क तो आता, तो है ना आंसर आपका फिर लॉग में जा रहा होगा आंसर, इसलिए माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ रहा होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या हो रहा है, तुम्हारा सेम आ रहा है अद्वैत, तो तुमने कुछ गड़बड़ करी है। नहीं नहीं मैंने कॉस स्क्वायर से किया फिर भी सेम नहीं आ रहा, फिर भी सेम आ रहा है ना, माइनस नहीं आ रहा, टेन में जा रहा है, कर देना वो चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जो मेरे को लग रहा था वही हुआ। एक और तरीका इसको करने का, एक और तरीका है कि सुनो मेरी बात, बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी आपको साइन स्क्वायर दिखे, कॉस स्क्वायर दिखे, या साइन की पावर्स दिखे आपको इवन में, यू कैन ऑलवेज क्रिएट टेन। कैसे, कॉस को सॉरी साइन को क्या डिवाइड करूँ कि टेन बन जाए, कॉस की पावर फोर, तो यहाँ पर भी कॉस की पावर फोर से नीचे और ऊपर डिवाइड किया, तो एक बार चेक कर ले करूँ कुछ बन रहा है क्या। ऊपर क्या लिखा है टू साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, हमने क्या करा ऊपर भी और नीचे भी कॉस की पावर 4x से डिवाइड करा, नीचे डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली टेन की पावर 4 प्लस क्या आ जाएगा 1, ये एक कॉस और एक कॉस कटेगा, बचेगा क्या अपने पास साइन अपॉन कॉस क्यूब, साइन अपॉन कॉस क्यूब में से एक कॉस ले लो तो साइन अपॉन कॉस बन जाएगा टेन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बन जाएगा टेन की पावर 4x प्लस 1। अब आप लोग समझ गए होंगे ना, समझ रहे हो, तो टेन एक्स को टी रखोगे तो टी की पावर फोर प्लस वन, और यहाँ पे भी टी आ जाएगा और ये डी टी हो जाएगा। हाँ उसको कैसे सॉल्व करेंगे दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, तो टी अपॉन टी की पावर फोर प्लस वन मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे लोगों से सॉल्व नहीं होगा। टी अपॉन टी की पावर फोर प्लस वन कैसे करेंगे सॉल्व, टी अपॉन टी की पावर में फोर प्लस वन, हाउ डू वी सॉल्व दिस। अच्छा बाहर एक टू मिस कर रहा हूँ क्या मैं, एक टू भी तो आएगा फिर तो और आसान हो गया ना, टी स्क्वायर को टी रख दो, अब टी स्क्वायर को कुछ और रखना पड़ेगा। हाँ टी स्क्वायर को वाई रख दो ना, तो क्या हो जाएगा टू टी डी टी बराबर डी वाई, तो ऊपर पूरा डी वाई हो गया और नीचे क्या हो गया टी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर प्लस वन, वाई स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस वन बिल्कुल टैन इनवर्स वाई हो जाएगा ये, बस अब वाई की जगह आप डाल दो फिर से टी स्क्वायर की जगह डाल दो, जो भी हो पूरा रिवर्स प्रोसेस कर दो। तो मेथड टू भी बहुत अच्छा है, क्या सीखा अपन ने, साइन के ऐसे पावर टू या पावर फोर मिलता है, तो यू कैन ऑलवेज क्रिएट टैन। टाइप थ्री देख लो, अच्छा चार से पाँच मिनट में मैं टाइप थ्री समझाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको बिना समझाए छोड़ना नहीं चाहता हूँ आज। देख लो जल्दी से कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। पहली बात तो टाइप थ्री होता क्या है, टाइप थ्री का जो स्टैंडर्ड अपीयरेंस होता है वो ये होता है, देखो इधर हर कोई देखोगे तो ही दिमाग में फोटो छपेगी, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी अपॉन, नीचे भी सेम चीज़ चलेगी लेकिन एल साइन एक्स प्लस एम कॉस एक्स प्लस एन, आ रहा है समझ में, ये स्टैंडर्ड अपीयरेंस होता है क्वेश्चन का, कि भाई जो नीचे चल रहा था अब वो ऊपर भी चल रहा है। ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे, मैं आपको लिख के बता दूंगा टाइप थ्री का वर्किंग रूल, लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। वर्किंग रूल देखते हैं अपन, वर्किंग रूल देखिए ये है कि आप सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर है वही का वही क्रिएट कर दो ऊपर, वो अपन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन गया बाहर में, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए टाइम्स, अच्छा ऐसे लिखेंगे न्यूमरेटर
आगे देखो, यहाँ देखो ध्यान से, कर लेना बाद में मैच, क्या दिक्कत है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस कुछ अलग कांस्टेंट टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट। कहना बड़ा आसान है, कहने का मतलब क्या करा मैंने, न्यूमरेटर में ज़बरदस्ती डिनोमिनेटर क्रिएट कर दिया, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी क्रिएट करा और फिर कांस्टेंट भी क्रिएट किया। करेंगे कैसे, सबसे पहले मैं आपको एक आसान क्वेश्चन देता हूँ और फिर एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अपन कल करेंगे। आसान क्वेश्चन क्या है, हाँ ये वाला करते हैं, 6 प्लस 3 साइन एक्स प्लस 14 cos x। आप लोग समझ लेना, फिर भले ही 5 मिनट और एक्स्ट्रा लगे तो लिख भी लेना। 3/4 sin x प्लस 5 cos x, ठीक है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अपीयरेंस देख के आप पकड़ लोगे कि क्वेश्चन क्या है। देखो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इंटीग्रेशन को हटा दो आप, न्यूमरेटर को 6 प्लस 3 sin x प्लस 14 cos x, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, एकदम डिनोमिनेटर की तरह बना देंगे। मतलब क्या हो गया कि कोई ना कोई तो कांस्टेंट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी होगा जिसके लिए न्यूमरेटर एग्जैक्टली डिनोमिनेटर टाइम्स ए और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव टाइम्स बी प्लस सम कांस्टेंट हो रहा होगा, वो करके देखते हैं। तो मान लेते कोई कैपिटल ए होगा, है ना, न्यूमरेटर को अपन ने क्या लिख दिया, कैपिटल ए टाइम्स एग्जैक्ट पूरा का पूरा डिनोमिनेटर 3 प्लस 4 sin x, ठीक है, प्लस 5 cos x, ठीक है, प्लस बी टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाना है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3 का तो 0 हो जाएगा, 4 sin x का कितना हो जाएगा, 4 cos x माइनस 5 sin x प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट मेरे को नहीं पता क्या है, फटाफट कंपेयर करा अपन ने कोएफिशिएंट। सबसे पहले मैं कांस्टेंट को ही कंपेयर करता हूँ, कांस्टेंट वहाँ पे क्या है, सी, और यहाँ पे क्या है, 6। तो सी का वैल्यू आ गया अपने पास, 3a भी आएगा यार, दरवाज़ा लगा दो तो जल्दी से, 3a + c = 6। दूसरा साइन का कोएफिशिएंट इधर क्या आ जाएगा, 4a - 5b, तो 4a - 5b ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। और कॉस का कोएफिशिएंट विल बी 5a + 4b, ये किसके बराबर हो जाएगा, 14 के। अच्छा, ए बी सी का वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे, है ना, 3 इक्वेशन है और 3 ही अननोन है। पहले तो मैं ए बी का वैल्यू यहीं से निकाल लूँगा, फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है ना, यू कैन ईजिली फाइंड ए एंड बी। तो चलो ये तो मैं आपके ऊपर कर देता हूँ, इसको आप सॉल्व करना, मेरे पास आंसर भी लिखा हुआ है तो विच इज़ गुड, यू कैन कंपेयर। ए बी सी का वैल्यू अपने पास आ जाएगा क्या, 210। पहली बात तो ये वाला तो क्या है, ए और बी में है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से कर डालो, ऊपर वाले को 4 से नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा। अब अपने पास मान लो ए का वैल्यू, जैसे सी का वैल्यू तो 0 आ गया, ये तो टेंशन ही खत्म, ठीक है। फिर ए न्यूमरेटर को अपन ने क्या लिख दिया, ऐसा, तो इस पूरे न्यूमरेटर की जगह ये मसाला अपन डाल देंगे। जब ये मसाला डालेंगे तो होगा क्या, बंटवारा हो जाएगा, दिस अपॉन डिनोमिनेटर और वो 0 अपॉन डिनोमिनेटर, तो 0 हो जाएगा। जब दिस अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो ए ही बचेगा, और जब दिस अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो नीचे वाले का ही डेरिवेटिव है, तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा और वो तो वैसे भी गायब है, ठीक है। ये टेक्निक जो है थोड़ी सी मुश्किल लगती है स्टार्टिंग में, बट इट इज़ वेरी इजीली डिटेक्टेबल, क्वेश्चन देखते ही समझ में आता है कि अच्छा ये करना है, ठीक है। तो इसके बाद का अपन खुद से कर लेंगे ना, आप लोग खुद से कर लेना। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको, टाइम थोड़ा कम है, अदरवाइज मैं इसको पूरा सॉल्व करा था, कल आके मैं फिर से कराऊंगा, लेकिन आप लोग कर लेना अपना खुद, कर तो सकते हैं वैसे अपन लीनियर बाय लीनियर अगर आपको दे दे, लेकिन वो बंटवारे से हो जाता है, यहाँ पे भी बंटवारा लगा सकते हो आप। मतलब ये ए बी सी जो है ना, आप जो पूछ रहे हो लीनियर वाला, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना, 2 cos x + 5 sin x। मैं इसको कल के लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा आके।
अभी अपने पास समय कम है, दो तीन और स्टैंडर्ड फॉर्म रह गए अपने, फिर nth इंटीग्रेशन रह जाएगा, काफ़ी जल्दी हो जाएगा अपना, लेकिन थोड़ा सा और टाइम चाहिए, 2 घंटे का लेक्चर हो तो मैं बहुत जल्दी करा दूंगा ये सारा, देखते हैं। अच्छा एक बार इसको है ना घर पे अच्छे से रिवाइज कर देना, इसको घर पे अच्छे से रिवाइज कर लेना, मिलते हैं अपन कल की क्लास में, बाय एवरीवन, थैंक यू।